हेलो एवरीवन। सो जो स्टॉक है एडो कैम लिमिटेड कंपनी है, इसमें अभी एक कप पैटर्न बना और स्टॉक रन कर चुका है। स्टॉक तकरीबन 3 गुना हो गया अपने जो एंट्री प्राइस थी। अब ये देखिए कि यहाँ पे इसका यहाँ से गिरा, जब ये यहाँ पे गिरा तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे वॉल्यूम थे, यानी कि इसने ये पैसा लगा, उसको पता था कि कंपनी अच्छी है। और ये गिरा कब है, लॉकडाउन के पीरियड में, ये 18, 19, 20 के टाइम पे ही गिरा और ज़्यादा गहरा भी नहीं है। कप में ये मानते हैं कि अगर कप ज़्यादा गहरा नहीं है, मतलब कि अगर कोई रिसेशन आया या कोई पैंडेमिक चल रही है, उस केस में अगर और कंपनी के कंपैरिजन में दूसरी कंपनी कम गिरी है, जैसे कि देखिए कप बाकी भी कप बहुत कम गहरा कप है ये, और नीचे वॉल्यूम बिल्कुल गायब है। यहाँ काफ़ी बड़े बड़े वॉल्यूम्स हैं, यानी कि किसी ने काफ़ी बड़ा अमाउंट लगाया है, इसी वजह से बड़े वॉल्यूम बने हैं। अब नीचे देखिए कि ये कप कितना कम गहरा है, और फिर यहाँ ब्रेकआउट मिला। सपोज करते हैं कि हमने यहाँ परचेस कर लिया 50 रुपये के आसपास पे। अब 50 रुपये के आसपास का स्टॉक ये हाईएस्ट टच किया 150 रुपये पे, दुगना हो गया। यानी कि आपकी कैपिटल, अगर आपने 5 5 शेयर लगाए थे तो आपके 15 रुपये कैपिटल कितने टाइम में होगा ये बताता हूँ मैं आपको। या आपके अगर आपकी एंट्री यहाँ थी ब्रेकआउट हैंडल के बाद में, तो Jan 2020 और दिसंबर में, यानी कि 1 साल लगा पूरा, और 1 साल में आपकी कैपिटल दूनी हो गई। तो कह सकते हैं कि ये स्ट्रेटजी काम करती है, प्रॉपर काम करती है, अच्छी स्ट्रेटजी है। इसमें आपने कैपिटल लगा के काफ़ी अच्छा अमाउंट जनरेट कर सकते हैं अपने पैसे से। एफडी से, आरडी से काफ़ी अच्छा प्रोसेस है। एफडी देती है 4% 5% के आसपास, और यहाँ तो सीधे डबल ही होती है। तो काफी अच्छा प्रोसेस है ये, काफी अच्छी स्ट्रेटजी है ये।